तो फाइनली शाहरुख सर की मोस्ट अवेटेड मूवी डंकी का टीजर हुआ ड्रॉप, जिसको दो डिफरेंट पार्ट्स के साथ रिलीज करा गया। एक पूरा ही इमोशनल था और दूसरे पोर्शन में सभी कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए ये बताया गया कि ये मूवी भारी इमोशंस के साथ अच्छी कॉमेडी भी डिलीवर करेगी। बस इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि डंकी से लेकर मंकी तक सारी बातें करेंगे। टीजर से जितना समझ आया उस हिसाब से शाहरुख सर और उनके कुछ दोस्त लंदन जाने का सपना देख रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका ये सपना पूरा नहीं होता, जिस वजह से ये डंकी प्रोसेस के थ्रू लंदन जाने का प्लान आते हैं और वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ कुछ ऐसा होगा जिस वजह से वो अपने देश आने का डिसीजन लेंगे, उसी सेम डंकी प्रोसेस के थ्रू। सबसे पहले तो डंकी एक अनऑफिशियल अनएथिकल तरीका है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का, और इसी प्रोसेस को यूज करके शाहरुख सर और उनके दोस्त इंडिया से लंदन जाएंगे और लंदन से इंडिया वापस आएंगे। लेकिन डंकी ही क्यों, इज्जत से वीजा वगैरह लेकर भी तो जा सकते थे, लेकिन डंकी करके इतना रिस्क लेकर क्यों जाना? तो इसका जवाब है यहाँ पर। यहाँ बुमन ईरानी सर आईएलटीएस कोचिंग देते हुए नजर आ रहे हैं और शाहरुख सर अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आइल्स क्रैक करने की तैयारी कर रहे होंगे। अब आइल्स क्लियर हुआ या नहीं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है वीजा जो इन्हें नहीं मिला होगा। लेकिन जिस तरह कुछ लोग अपना सपना पूरा करने के लिए कभी कभी गलत शॉर्टकट यूज कर लेते हैं, उसी तरह शाहरुख सर और उनके दोस्त यहाँ सहारा लेंगे डंकी का। इस टीजर का सबसे बड़ा हिट था इसकी स्टार्टिंग का गाना, जिसको सोनू निगम सर ने आवाज दी है, और ये गाना बिल्कुल उड़ती पतंग सा था वो की वाइब दे रहा था, जिसकी लाइन सुनकर गूज़बम्प्स तो आए, लेकिन ये भी समझ आया ये लोग लंदन में किसी बड़ी ट्रेजेडी का शिकार हुए होंगे, जिसके बाद इनको हिंदुस्तान की याद आई होगी, अपनी फैमिली की याद आई होगी, और फिर ये डिसाइड करेंगे कि अब हमें वापस अपने देश जाना है, अपने हिंदुस्तान वापस जाना है। लेकिन कैसे? फिर उसी डंकी प्रोसेस के थ्रू। लेकिन अगर आप गौर करो तो टीजर के अंदर विकी कौशल सर को भी दिखाया गया है, जिनका इस मूवी में केमियो होने वाला है, जो मैं ऑलरेडी अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। लेकिन केमियो देने वाला बंदा टीजर में क्या कर रहा है, ये बात कुछ अजीब नहीं लगी आप लोगों को? और जितना मैं गैस कर पा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग या तो विकी कौशल सर अपने दोस्तों को धोखा देने वाले हैं, या फिर इनके कैरेक्टर को इस मूवी में जल्दी ही मार दिया जाएगा। अब ये बात तो अगली टीजर या ट्रेलर से ही पता चलेगी। लेकिन बहुत लोगों को डंकी का ये टीजर पसंद नहीं आया, जिस वजह से ये भी बोला जा रहा है कि डंकी सालार के आगे नहीं टिक पाएगी। इस पर तो मैं यही कहूंगा कि दोनों ही अच्छी मूवीज होने वाली है और हमें इन दोनों मूवीज को ही बराबर रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन अगर मेरी बात करूं तो मैं तो अभी से ही कंफ्यूज्ड हूं कि पहले कौन सी मूवी देखूं, और आप लोग पहले कौन सी मूवी देखने वाले हो वो कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैंने रिसेंटली रिलीज हुई लियू मूवी पर कुछ 10-12 वीडियोस बनाए हैं, जिसमें मैंने लियो के ब्रेकडाउन, लियो के लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ कनेक्शन और तो और लियो के रिव्यू वाले वीडियोस भी बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन्हें भी जरूर देखना, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।